बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल माई एफर्ट्स। तो जी, आज मैं बना रही हूँ अपने चैनल पर ज़बरदस्त सा एक खट्टी मीठी सी रेसिपी, कच्चे आम का मुरब्बा या खट्टी मीठी कैरी की चटनी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, सबसे पहले आप सबको रमज़ान की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हो। हमारा रमज़ान का महीना जो है माशाल्लाह से स्टार्ट हो गया है, तो मैंने सोचा आपके लिए स्पेशल से एक रेसिपी बनाई जाए। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन देखें आधा किलो के करीब जो है ये कच्चे आम का कच्चे आम लिए हैं, और इसके साथ ही मैंने तकरीबन 2 कप के करीब ही चीनी ली है। जितनी मैंने कैरी ली है या जितना मैंने कच्चे आम लिए उतनी ही मैंने चीनी ली है। पिंच ऑफ मैंने जर्दे का कलर लिया है, थोड़ी सी अदरक ली है क्रश की हुई, और 2 से 3 जो है जवे वो मैंने लहसुन के लिए बारीक बारीक काट लिए हैं। इसके साथ जो है मैंने 3 से 4 टेबल स्पून जो है वो मैंने सिरका लिया है, 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल के लिए कुकिंग ऑयल, 1 टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा जो है यहाँ पर मैंने कलौंजी ली है, और 1 टेबल स्पून जो है यहाँ पर मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है, और मैंने 1 टीस्पून जो है यहाँ पर काला नमक लिया है। यहाँ पर आप वाइट नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत मज़े का फ्लेवर देता है। 1 टीस्पून जो है कुटा हुआ ज़ीरा है, और 1 कप के करीब पानी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस रेसिपी को। तो यहाँ पर मैं पहले अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था इनको, कैरियों को, और ये सीज़न में है, और ये भी इस वक्त बहुत मज़े की खट्टी मीठी कैरियाँ आ रही हैं, तो ये बहुत ही मज़े का बनता है। और मोस्टली जो है ये सहरी में हम लोग पराठे के साथ खाते हैं, तो बहुत मज़े का ये देता है फ्लेवर, और बहुत मज़े का भी लगता है पराठों के साथ अगर हम इसको खाएं। तो इनको पहले मैंने पील कर लिया है, और इस तरह मोटे मोटे इसके मैं पीसेस काट लूँगी कैरियों के, क्योंकि अंदर से तो थोड़ी बहुत ख़राब भी होती हैं, तो इसलिए आप इनको अच्छे से पहले इस तरह करके कट कर लें। तो यहाँ देखिए मैंने तमाम कैरियों को इस तरह रफली काट लिए। अब ये मैंने एक डेगची ले ली है सिल्वर की, यहाँ पर जो है मैं इसके अंदर ऑयल डाल दूँगी। कुकिंग ऑयल आपने लेना है कोई भी जो है, मतलब स्ट्रॉन्ग ऑयल नहीं यूज़ करना आपने। अब यहाँ पर मैं एक बात मेंशन करती चलूँ कि यहाँ मैं सिर्फ लकड़ी का स्पून इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही सही रहता है लकड़ी का स्पून इस तरह का मुरब्बा बनाने के लिए, चटनी बनाने के लिए। इस तरह जो है चटनी में फंगस नहीं लगता और वो ख़राब नहीं होती, जो मोस्टली शिकायत होती है कि जल्दी ख़राब हो जाता है मुरब्बा अगर हम बना के रखते हैं। तो आप इसमें लकड़ी का स्पून ही यूज़ करें, तो ये मेरी एक आपको टिप है कि आप इसमें लकड़ी का चम्मच ही इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर अब मैंने लहसुन और अदरक जो है वो मैंने डाल दिया है थोड़ा सा, जब ऑयल गर्म हो गया था। लहसुन अदरक को हमने ब्राउन नहीं करना है, जस्ट ज़रा सा हमने इसको बस 1 सेकंड के लिए इसको हमने इसमें करना है। उसके बाद जो है मैंने इसमें कलौंजी ऐड कर दी है, इसी तरह कलौंजी को भी हमने जस्ट फ्यू सेकंड के लिए इसमें गरम करना है। इसके बाद हम सारी जो कैरियाँ हैं वो इसमें हम ऐड कर देंगे, और इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। ये तमाम कुकिंग जो है मैं स्लो टू मीडियम आँच पर कर रही हूँ, ताकि ये अच्छे से इसमें पकता रहे और इसका अरोमा इसमें अच्छी तरह हल हो जाए तमाम। अब इसके अंदर मैंने शुगर ऐड कर दिए, शुगर जो है ऑलमोस्ट पानी छोड़ती है जब हम किसी भी चीज़ में इसको ऐड करते हैं। चीनी जो है वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर सिर्फ मैंने 1 कप के करीब पानी ऐड किया है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करके अब यहाँ पर मैं इसमें तमाम मसाले ऐड कर दी हूँ। यहाँ पर मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया है, इसमें कुटा हुआ भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है ये। यहाँ पर मैंने काला नमक ऐड कर दिया है, इसके साथ ही कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर दी हैं मैंने। अब मैं इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लूँगी, ताकि तमाम चीज़ें एक साथ यकजा हो जाएँ। अब मैं इसको तकरीबन 10-15 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो टू मीडियम आंच पर पकने के लिए रख दूंगी। अब यहाँ पर ये देखें कितना ज़बरदस्त सी ये हमारी कैरियाँ जो हैं वो गल गई हैं, और तमाम चीज़ें हैं वो भी इसमें अच्छे से हल हो गई हैं। जो शुगर थी, चीनी जो थी, वो भी अच्छे से इसमें हल हो गई है। इसके अंदर मैं थोड़े थोड़े चंक्स रहने देती हूँ जब मैं ये मैं बनाती हूँ। अब यहाँ पर इस कंडीशन में मैं जो है इसमें फूड कलर ऐड कर रही हूँ। फूड कलर जो है इसको बहुत ही खूबसूरत सा कलर देगा, जैसे कि आम का कलर होता है येलो, जो बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, और आम जो है वो हमें सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। और सबसे पहले जब आम आने लगते हैं तो कैरियाँ पहले आती हैं, तो हम इसकी बहुत सारी ऐसी डिशेज़ और ऐसी बहुत सारी रेसिपीज़ बनाते हैं कैरियों की। अब इस कंडीशन पर जो है यहाँ मैंने सिरका ऐड कर दिया है इसके अंदर। सिरका जो है वो ऑप्शनल है, लेकिन इसे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मैंने स्लो टू मीडियम आंच पर
दोबारा से 10 मिनट के लिए इसको पकने के लिए रख दिया था। ये देखें इस कंडीशन में ये इतना ही गाढ़ा हो गया था, ये देखें इस तरह ये गाढ़ा हो गया है। तो अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। इतना हमने इसको बस गाढ़ा रखना है, क्योंकि ठंडे होने के बाद जो है ये थोड़ी सी और इसमें गाढ़ापन आ जाएगा, और इसमें अच्छे से चंक्स भी जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, और कैरी भी बड़ी ज़बरदस्ती गल गई है। तो यहाँ पर देखें मैंने इसको डिश आउट कर लिया है, और मैं इसको इसमें एक कांच की मैंने बॉटल ले ली है एयर टाइट, और इसमें मैं इसको सेव करके रख सकती हूँ। इसको मैं तकरीबन 1 मंथ के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा ये खट्टी मीठी कैरी का मुरब्बा या कैरी की चटनी आपको कैसी लगी। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं एक न्यू एफर्ट और एक न्यू रेसिपी के साथ मेरे किचन में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा।